कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीगंज में आशीष गुप्ता के हमकगीर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आईपीएल क्रिकेटर सट्टा पर कार्रवाई की। कार्रवाई पर कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि गांधीगंज में दबिश देकर आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिला रहे आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो अन्य दो साथियों को पन्ना मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। वह एक आरोपी फरार है। इनके पास से 50 लाख रुपए के सट्टा पर्ची, 29 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित अन्य उपकरण जब्त किए। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांधीगंज में आशीष गुप्ता नाम का व्यक्ति जो है आईपीएल सट्टा का खेल खिला रहा है। सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर एक टीम बना करके तत्काल आशीष गुप्ता के यहाँ जाकर के रेड किया, जहाँ पर आशीष गुप्ता अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में क्रिकेट का काम करते हुए मिला। पूछताछ पर उसने बताया कि मेरे साथ रंजीत सिंह और अभिषेक सार, जो माधवनगर के रहने वाले हैं, वो क्रिकेट का काम कर रहे हैं और वो अभी पन्ना में एक अपार्टमेंट में है। हमारी टीम के द्वारा पन्ना नाके में जाकर के और साई अपार्टमेंट में उनको पकड़ा गया। उनके पास से 29 मोबाइल, एक एलईडी टीवी, एक सेटअप बॉक्स और एक लाइन की पेटी, जिससे वो सट्टे का आईडी देते हैं, वो प्राप्त हुई। और 11/4/22 का लेखा जोखा उनका जो बुकिंग थी 4 लाख रुपए की थी। इस आईपीएल सीजन में, 2022 के सीजन में, उनके जो सेटअप बॉक्स है और उनके लैपटॉप में जो हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें 50 लाख का सट्टे का हिसाब किताब मिला है। इन तीनों आरोपियों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ बोलू भी काम करता है, जो अभी फरार है। हमने मौके से 3 आदमियों को पकड़ा है, उनके खिलाफ सट्टे के तहत कार्रवाई की गई। कटनी से आरवी गुप्ता की रिपोर्ट।